हूँ। देश की टॉप आईआईटी में एक बार फिर जयपुर राजस्थान ने अपना नाम रोशन कर दिया। इस वक्त हमारे साथ मृदुल अग्रवाल हैं, जो जेई एडवांस में ऑल इंडिया रैंक में पहले स्थान पर है और एआईआर टॉपर हैं। चलिए उनसे जानते हैं उनकी सफलता की कहानी, किस तरह से उन्होंने तैयारी की और इतनी बड़ी सफलता किस कैसे प्रयास हुए किस तरह से हासिल की। मृदुल, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, कंग्रेचुलेशन। और कैसे तैयारी की और इतना बड़ा एडवांटेज मिला? तो बेसिकली मैंने इसी पर तैयारी 9th क्लास से शुरू की, तो मैंने अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन शुरू किया। धीरे धीरे लाइक जो बेसिक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, जूनियर साइंस वालों का, फिजिक्स वालों का, एस्ट्रोनॉमी वालों का, AAPY, NTA, इन सबके लिए प्रिपेयर करते करते अच्छी फाउंडेशन बिल्डअप। उसके बाद 11th क्लास में आके JEE स्ट्रीम चूज करी एंड देन भाई JEE फोकस प्रिपरेशन करी फिर 2 साल की, भाई अब रेगुलर टेस्ट क्लासेस एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस। अच्छा प्रदुल, कई बार होता है कि हम लोग कई बार हम जो है डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, और किस तरह से अपने आप को डेवलप कर पाए? दूसरा, आपकी स्कूल एजुकेशन में कैसा था, क्या मेरे स्कूल जैसे स्कूल एजुकेशन से जेवी स्कूल से 1st क्लास से लेकर 12th क्लास से जेवी स्कूल में पढ़ाई करी। उससे मतलब शुरू से ही मेरा अच्छा रिकॉर्ड रहा था, लाइक क्लास में अच्छे मार्क्स आते थे। स्कूल टीचर्स का भी काफी सपोर्ट रहा, उनका जो बेसिक ग्रूमिंग है, डेवलपमेंट है, कई मदद किया। जैसे डी स्ट्रेस की बात करें तो ऑब्वियसली इस जर्नी में जो मेंटल स्ट्रेस काफी ज्यादा हो जाता है, उसके लिए मैं मोस्टली पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, ब्रदर के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, एक पैंडेमिक जो पूरी दुनिया के लिए के स्ट्रेस के तौर पर हमने देखा कि उस स्ट्रेस को या पैंडेमिक का स्ट्रेस जो रहा, आपको लगा भी होगा क्योंकि आपकी ऑनलाइन क्लास चली, तो आपको लगा होगा कि किस तरह से अब मैं क्या रैंक हासिल कर पाऊंगा या तैयारी कैसे करूँ, किस तरह से अब आपको आगे बढ़ा, वो क्या फेस था और कैसे आपने उस चुनौती चैलेंज को अपना? तो वो इनिशियली जब पैंडेमिक स्ट्राइक हुआ थोड़ा सा, मतलब उस टाइम तो पता मैंने कि स्ट्रेस आ रहा होगा, थोड़ा सा डर उस टाइम था कि यार पूरी जो 10-15 दिन जाएंगे कैसे यूटिलाइज करेंगे। बट उसी टाइम हमारे जो टीचर्स हैं, पूरा सिस्टम है आगे का, उन्होंने बिल्डअप करा हमारे ऑनलाइन क्लासेस, तो फिर हम ऑनलाइन क्लासेस शुरू में थोड़ा अलग फील होता ऑफलाइन ऑनलाइन, या टीचर सर अटैचमेंट नहीं हो पाता। पर धीरे धीरे लाइव क्लास जब शुरू हुई था उन सबका भी दूर हो गई, फिर डिस्कशन के लिए फिर से डिस्कशन करते थे हम, डाउट डिस्कशन या अलग अलग टॉपिक्स बनाने, इस तरह एंड में आता दिन सब हो गए ऑनलाइन ऑफलाइन का डिफरेंस। अच्छा, ऑनलाइन की मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ऑनलाइन में सोशल मीडिया भी है, और कहा जाता है कई बार कि जो है सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्ट करता है एजुकेशन, क्या आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते थे और क्या डिस्ट्रैक्ट हुए या आपने किया ये इस्तेमाल? सर मैं इस्तेमाल बिल्कुल करता था, सभी को इस चीज़ अट्रैक्ट करती है। तो वैसे मेरा भी था कि शुरू में जब गैजेट्स और लैपटॉप से ज़्यादा टाइम स्पेंड होता था, तो मतलब मेरा भी थोड़ा टाइम यूट्यूब OTT एंड सोशल मीडिया पर जाता, बट धीरे धीरे रिलाइज हुआ ये थोड़े पोटेंशियल खा रहे, मेरे को धीरे धीरे कम करता गया धीरे धीरे। फिर एंड में मतलब मेरा मेजर टाइम पढ़ाई में जाता एंड लेक्चर में आधा एक घंटा इन सब में भी जाता। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि आगे क्या ड्रीम है, आप कैसे अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, क्या कैरियर ग्रोथ होगा? अभी जैसे मैं IIT बॉम्बे में एडमिशन ऐसा हूँ, उसके बाद जैसे इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी तो अचीव होगी, अब वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी में अपना नाम लिखाना चाहिए। उसके बाद आज लॉन्ग टर्म इंडिया की ही टेक डेवलपमेंट करना है, एजुकेशन सेक्टर में अपना ब्रेन एनर्जी एंड टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये थे मृदुल अग्रवाल, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है।